दोस्तों, मैग ग्लेनिंग की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स ने विमेन प्रीमियर लीग 2023 के ग्रुप स्टेज के आखिरी मुकाबले में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए यूपी को हराकर सीधे फाइनल में प्रवेश कर लिया है। आपको बता दें, ग्रुप स्टेज का अंतिम मुकाबला यूपी वॉरियर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ब्रेब्राउन स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों, यूपी और डीसी के मैच की दिखाएंगे पूरी हाईलाइट इसी वीडियो में। इससे पहले, अगर आप आईपीएल की तरह डब्ल्यूपीएल को भी पसंद करते हैं, तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, ग्रुप लीग के अंतिम मुकाबले में डीसी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और डीसी के गेंदबाजों ने इस निर्णय को सही साबित करते हुए शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए 20 ओवर में यूपी के 6 विकेट निकालते हुए उन्हें 138 रनों पर ही रोक दिया। यूपी की तरफ से कप्तान एलिसा हेली ने 36 रन, वही यूपी वॉरियर्स की पूरी पारी संभालते हुए ताहिला मैगरा ने सबसे ज्यादा 58 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 8 चौके और 2 शानदार छक्के लगाए। वही दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से एलिस कैप्सी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके। वही राधा यादव ने 2 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई और जेस जॉनसन 1 विकेट लेने में सफल रही। वही 139 रन के टारगेट को चेस करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 17 और 5 गेंदों में ही 5 विकेट के नुकसान पर टारगेट को पूरा किया। डीसी की तरफ से कप्तान मैग ग्लेनिंग ने आक्रामक पारी खेलते हुए 23 गेंदों में सबसे ज्यादा 39 रन की पारी खेली। वही शेफाली वर्मा ने 21 रन, वही एलिस कैप्सी ने 34 रन बनाए और मारिजाना काप ने नाबाद 34 रन की विजयी पारी खेली। यूपी वॉरियर्स की तरफ से शबनम इस्माइल ने 2 विकेट झटके, वही यशश्री और सोफी एक्लेशन की हाथ एक सफलता आई। तो दोस्तों, आज की शाम दिल्ली कैपिटल्स ने अपने नाम कर 26 तारीख के फाइनल की टिकट बुक कर ली। वही 24 तारीख को मुंबई और यूपी के बीच एलिमिनेटर मुकाबला होगा और जो जीतेगा वो 26 तारीख को दिल्ली कैपिटल्स के साथ फाइनल में भिड़ेगा। तो दोस्तों, कौन जीतेगा विमेन प्रीमियर लीग का पहला सीजन, कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।